सबसे पहले इस लेटर को देखिए, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण और प्राथमिकता लिया गया है, और ये लेटर गया कहाँ कहाँ है आप ये देखिए। यहाँ पर ये जो लेटर है वो आप निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, उसके बाद कुल सचिव AKTU, कुल सचिव SBTU, कुल सचिव मदन मोहन मालवीय और सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद को गया। आखिर इस लेटर में है क्या? ये रिसेंटली जो है वो 1/11/2023 को डिस्पैच किया गया है। ये जो लेटर है वो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत है। इसमें ये बोला गया है कि जल्द से जल्द स्टूडेंट को 2022-23 के जो स्टूडेंट हैं उनको यथाशीघ्र टैबलेट और स्मार्टफोन योजना जो है उसका लाभ मिलना चाहिए। इसमें लिखा हुआ जल्द से जल्द उनको टैबलेट स्मार्टफोन देना चाहिए। सबसे पहले उन स्टूडेंट को मिलेगा जो पास आउट हो चुके हैं 2023 में, और उसके बाद फाइनल ईयर के स्टूडेंट जाएंगे। किस तरह से वितरण होना है ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई। इसके लिए एक जिलाधिकारी बनेंगे, उसके वो नोडल अधिकारी अपॉइंट करेंगे और वो इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करेंगे। तो सारा काम आपके इंस्टीट्यूट का, स्टूडेंट लगातार कह रहे हैं कि उनको नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपका कॉलेज जिम्मेदार है। योगी गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी डिस्पैच देने का था वो सब कुछ हो रहा है, उतना बजट भी पास हो चुका है, लेकिन कॉलेज वालों की लापरवाही की वजह से या उनकी शिथिलता की वजह से जो है वो स्मार्टफोन और टैबलेट जो है स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रहा है। तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करिए, उन पर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करिए, इस तरह के सर्कुलर सुने दिखाइए कि जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए हैं तो आपको टैबलेट स्मार्टफोन योजना का लाभ मिलेगा। और कल AKTU में कई संस्थानों पर जो है मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन दिया गया है, तो कॉलेजेस में बट रहे हैं। अगर आपको नहीं मिल पा है तो उसका मेन इशू आपके कॉलेज से ही है, गवर्नमेंट की तरफ से इशू इतना नहीं है। तो दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच।